हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई टेक क्लास 11th मैथ एक्सरसाइज 6.1। क्या करना है? सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज। जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आज 11th क्वेश्चन से, इसमें क्या फॉर रियल एक्स के लिए एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 11th में 3 ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 अपॉन में 5 इज लेस आर इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स अपॉन में 3। तो हम क्या करते हैं कि पहले देख लो पूरे का अपॉन में है 3, जो भी है, चाहे पूरे का अपॉन में है, चाहे एक के अपॉन में है, जो भी नंबर डिनोमिनेटर के रूप में है हम उनका एलसीएम ले लेंगे। तो चूंकि प्राइम नंबर है, तो जब दोनों प्राइम नंबर है तो 5 × 3 कितना आ जाएगा? 15। तो हमारा पहला स्टेप होगा कि 15 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना। इस पूरे को क्या करना? मल्टीप्लाई करना 15 से। अच्छा, लेस देन यहाँ पे आएगा 5 अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन में 3 इंटू 15, राइट? पहला काम ये होगा। अच्छा, ऐसा हम करते क्यों है? जिससे कि जो डिनोमिनेटर है ये पूरी तरह से गायब हो जाए, यानी रिमूव हो जाए। और 5 × 3 = 15 और ये हो जाएगा 3 × 5 = 15। देखो नीचे डिनोमिनेटर पूरा रिमूव हो गया, नहीं हो गया। अच्छा, अब 3 × 3 = 9 ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 इधर बच गया, लेस आर इक्वल टू 5 5 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। क्या 5 × 5 = 25 ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स, राइट? अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 9x - 18 दोनों को करेंगे बारी बारी। देखो 9 का x में करेंगे 9x माइनस 9 × 2 = 18 लेस आर इक्वल टू 25 × 50 माइनस 25x, राइट? अच्छा, अब क्या आ जाएगा? अब ये बताओ माइनस का 25 ग्रेटर है या 9x? ये प्लस का है, ये माइनस का है एक्स में, ठीक है? तो एक माइनस का है, तो सोचो 9 बड़ा या माइनस 25, तो 9 ग्रेटर है। तो जब 9 ग्रेटर है और माइनस 25 लेस है, तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में कि 9x - 18 और हम माइनस का है देन प्लस कर लेंगे 25x और दोनों साइड करेंगे, बोथ साइड। कैसे? माइनस 25 एक्स प्लस 25, पहले हम एक्स को रिमूव कर लेंगे, राइट? अच्छा, अब कितना आ जाएगा ये 25 और 9 कितना आ जाएगा? 34x और माइनस का 18 है, साथ में उतार लो। अच्छा, ये जो कोशिश करो कि जो ग्रेटर आर इक्वल टू की साइन है लेस देन, तो इसको हमेशा एक दूसरे के नीचे करते रहना चाहिए। अब कितना बच गया इधर? 50। अच्छा, अब ये जो x है 34x है, x के साथ में ये जो -18 है इसको रिमूव करना हमें, तो माइनस का है देन यहाँ पे हम प्लस, यानी जो साइन रहेगा उसके अपोजिट लेंगे हम, लेकर के दोनों साइड में हम ऐड कर लेंगे 18 को। ये हो जाएगा 18 से -18 क्या हुआ? रिमूव हो जाएगा। ये बच गया 34x इज लेस आर इक्वल टू कितना मिला यहाँ पर हमारा बताओ? 50 प्लस 18 ये हो जाएगा 68। तो अब अगला स्टेप क्या होगा? 34 से हम डिवाइड कर लेंगे दोनों को। तो 34 से डिवाइड करेंगे क्या मिल गया हमारा? x इज लेस आर इक्वल टू ये हो जाएगा 2 पे डिवाइड होगा। कितने पर? देखो क्यों 2 हो जाएगा, 2 × 3 = 6 से, यानी 2। यानी इससे सोल्यूशन क्या मिल जाएगा कि 2 से लेस है, x की वैल्यू क्या आएगा? देखो 2 से लेस, लेस के लिए क्या करेंगे? इधर आएंगे 1, 0, -1, ……∞ तक, कहाँ तक आएंगे? −∞ तक। तो इट्स सोल्यूशन क्या आ जाएगा हमारा? इट्स सोल्यूशन इज, अच्छा ये क्या 2 इक्वल है? इक्वल है 2, ठीक है ना? देन यहाँ पे आएगा क्लोज इंटरवल टू और कहाँ तक आएगा? −∞ तक। तो −∞ को हमेशा ओपन इंटरवल में हम लिखते हैं, ठीक है? नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 11th है। अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है? 1/2 ब्रैकेट में ओपन ब्रैकेट में क्या 3x / 5 + 4 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1/3 और स्मॉल ब्रैकेट में क्या है x - 6। देन x की वैल्यू हमें बतानी है रियल नंबर के लिए। तो हमारा अच्छा यहाँ पे क्या है कि अपॉन में पहले से ही है, फ्रैक्शन में पहले से ही दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? इसको उतार लेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका क्या कर लेंगे हम? एलसीएम 5 कितना आ जाएगा?
3x प्लस 5 फोर जा 20, सीधे हम कर लेंगे 5 फोर जा 20। अच्छा इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 अपॉन में 3x माइनस 6। अब सोचो यहाँ पे कितना मिल गया हमें 3x प्लस 20 और अपॉन में 5 टू जा 10 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 अपॉन में 3x माइनस 6। तो अब सोचो अगला स्टेप क्या करना चाहिए हमें, 10 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 10 और 3, तो ये इवन नंबर ये ऑड नंबर है, तो सीधे क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो 30 इसका एलसीएम हो जाएगा। जब एलसीएम हो जाएगा तो हम इधर भी 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इधर भी 30 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 10, राइट। अब 3 का मल्टीप्लाई दोनों में करना हमें बारी बारी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो 3 जा 9x प्लस 3 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो 3 2 जा 6 यानी 60 हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई दोनों में करना आएगा x माइनस 6 में। सोचो x माइनस 6 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, x इंटू 10 माइनस 6 इंटू 10 कितना जाएगा 10x, राइट। और माइनस 6 में करेंगे तो कितना जाएगा 60 माइनस 60, ठीक है, करने आ गया। अच्छा अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये देखेंगे कि 10x मोर है यानी ग्रेटर देन है या 9x ग्रेटर है, तो दोनों में से कौन ग्रेटर है, 10x ग्रेटर है, ठीक है। तो हम 9x को पहले रिमूव करेंगे, पहले किसको रिमूव करेंगे हम, माइनस 9x को करके 9x को रिमूव करेंगे तो माइनस 9x इधर करेंगे, तो वही काम हमें सेम क्या करना होता है, इधर भी लिखना होता है, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा रिमूव, देन क्या बचा, 60 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 10 माइनस 9 कितना बच जाएगा x और माइनस का 60, x माइनस 60 ये बच गया हमारा। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x के साथ में चूंकि माइनस 60 है तो हम क्या कर लेंगे, प्लस 60 दोनों साइड कर लेंगे, दोनों साइड हम कर लेंगे, तो 60 प्लस 60 कितना आ जाएगा, 120 इज ग्रेटर आर इक्वल टू कितना बच गया हमारा x, कितना बचा x, यानी हमें क्या मिला कि x इज लेस देन आर इक्वल टू 120, यानी क्या है, x की वैल्यू 120 से लेस है। तो अगर किसी नंबर लाइन की हम बात करते हैं तो 120 से पहले क्या आएगा, 119, 118, डॉट कहाँ तक आएगा, माइनस इनफाइनाइट तक, कहाँ तक आएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। तो इस तरीके से हमारा एक सोल्यूशन क्या मिल जाएगा, एक सोल्यूशन इज कितना है 120, तो अच्छा या इक्वल भी है, क्या है यहाँ पर, इक्वल भी है, देन यहाँ पर हमें मिलेगा क्लोज इंटरवल, क्या मिलेगा, क्लोज इंटरवल 120 एंड माइनस इनफाइनाइट वो भी ओपन इंटरवल में, कभी भी इनफाइनाइट लेते हैं तो हमेशा क्या ओपन इंटरवल में लेते हैं, ठीक है। और अब क्वेश्चन नंबर 13, तो क्या करना क्वेश्चन नंबर 13 में, हमें वही x की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 10 इज लेस देन 6 ब्रैकेट में x माइनस 2, सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, देन क्या करना होगा, पहले हमें 2 से अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6, अब माइनस का 10 हमें उतार लेना है, लेस देन 6x माइनस 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, अब ये नहीं कि यहाँ पे दे रखा माइनस 10 अलग दे रखा है तो सोचो अरे कैसे करेंगे, कुछ नहीं, बस सिंपल तरीके से जो सिंप्लीफाई करते हैं हम वही काम हमें करना है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा अब तो कितना बचा यहाँ पे 4x और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 4 लेस देन 6x माइनस का 12, तो अब 6x ग्रेटर है या 4x ग्रेटर है, 6x ग्रेटर है यानी 4x लेस है, तो हम क्या करेंगे 4x को ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हम दोनों साइड से, ठीक है। तो जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों क्या आ जाएंगे हमारे, कैसे हो जाएंगे, तो बचा कितना माइनस 4 इज लेस देन, इज लेस देन कितना बचा ये 6x माइनस 4x कितना मिलेगा 2x, माइनस का 12 हम उतार लेंगे साथ में, ठीक है। अच्छा अब क्या करना हमें कि माइनस 4 इज लेस देन, इज लेस देन, अच्छा सोचो अब क्या करना चाहिए हमें, यहाँ पे स्पेस दे दो, 2x माइनस 12 है
तो हमें पहले देखो टू को नहीं रिमूव करना होता है, पहले हमें माइनस ट्वेल्व को रिमूव करने के लिए प्लस ट्वेल्व हम दोनों साइड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब क्या हो जाएगा ये सॉल्व करने पे, एट और यहाँ पे जाएगा टू एक्स और ये हो जाएगा कैंसिल आउट। अच्छा अब क्या करना होगा कि एक्स के साथ में कितना है टू, तो हम टू से दोनों साइड हम डिवाइड कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा कि फोर इज लेस देन एक्स, राइट। अच्छा क्या मिला कि एक्स इज ग्रेटर देन, एक्स इज ग्रेटर देन, एक्स इज ग्रेटर देन फोर, यानी एक्स इज ग्रेटर देन फोर। तो अगर हम नंबर लाइन की बात करें हम तो फोर फाइव सिक्स डॉट डॉट कहां था इनफाइनाइट तक, क्योंकि एक्स की वैल्यू फोर से ग्रेटर है, राइट। तो अब ग्रेटर का मतलब क्या हो गया, हमें राइट साइड में जाना होगा, फिर से सोल्यूशन क्या आ जाएगा इज, अच्छा फोर इक्वल टू है क्या, यहाँ पर इक्वल है नहीं है, देन यहाँ पे क्या होगा ओपन इंटरवल, क्या होगा ओपन इंटरवल फोर और कहां तक इनफाइनाइट तक, तो इनफाइनाइट को हमेशा हम ओपन इंटरवल में ही लेते हैं। तो यह जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 14, क्या करना क्वेश्चन नंबर 14 में, 37 माइनस 3x प्लस 5 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 9x माइनस 8 ब्रैकेट में x माइनस 3। तो कैसे करेंगे हम, तो 37 है सेम उतारना होगा पहले हमें, और 3x क्योंकि यहाँ पे क्या माइनस, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x और माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस 5, कितना आ जाएगा माइनस 5 इज ग्रेटर आर इक्वल टू। अच्छा अब कितना हो जाएगा 9x को हम सेम उतार लेंगे और माइनस का 8 और x का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस 8x और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 8 इज 24, राइट। अच्छा अब हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, तो 37 माइनस 5 कितना आ जाएगा 32 और माइनस का 3x हमें नोट कर लेना है और इज ग्रेटर आर इक्वल टू 9x माइनस 8x कितना बचेगा हमारा x और यहां कितना आएगा प्लस 24 प्लस 24। अच्छा अब यहां पे क्या है कि माइनस 3x है यहां पे प्लस का x है, तो देखो दो तरीके उसके होते हैं कि अगर हम माइनस 3x से क्या है लेस है और x से आएगा ग्रेटर है, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या काम करना होता है कि x को यहां पे माइनस 3x लेस है तो दोनों साइड हम क्या कर सकते हैं प्लस का 3x, प्लस का 3x कर लेंगे हम, राइट। तो ऐसा करने से हमारा ये फायदा होगा कि 3x माइनस 3x प्लस 3x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 32 इज ग्रेटर देन और 3x प्लस x कितना आ जाएगा 4x और यहां क्या मिलेगा हमें प्लस 24 और अब प्लस 24 को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे माइनस 24 दोनों साइड करेंगे हम, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करने पे कितना आ जाएगा 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, कितना आ जाएगा और 12 में से 12 में से 4 माइनस करना तो 8 आ जाएगा, यानी 32 में से 24 माइनस करोगे 8 हो जाएगा इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4x। अच्छा अब यहाँ क्या करना होगा हमें 4 से दोनों साइड डिवाइड करना होगा, कितना आ जाएगा 2 इज ग्रेटर देन x यानी x इज लेस देन, x इज लेस देन 2 यानी अगर हम नंबर लाइन की हम बात करते हैं तो x की वैल्यू 2 से लेस है, यानी यहाँ पे 2 यहाँ पर 1 प्लस का पहले फिर 0 फिर माइनस का ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक इनफाइनाइट तक माइनस इनफाइनाइट तक, इसका मतलब हो जाएगा इट्स अ सॉल्यूशन, इट्स अ सॉल्यूशन, इट्स अ सॉल्यूशन इज क्या मिलेगा सॉल्यूशन, अच्छा 2 के इक्वल भी है तो क्लोज होगा, क्या होगा क्लोज 2 कॉमा माइनस इनफाइनाइट और ये ओपन होता है, ठीक है ये आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के करने का एक अलग भी मेथड होता है, यहाँ से 37 माइनस 5 कितना आ गया था 32 आर करके मैं करवा रहा हूँ, कितना 37 माइनस 5 कितना मिलेगा 32 और ये बचा माइनस का 3x और ग्रेटर देन क्या है 9x माइनस x कितना आ जाएगा x और यहाँ पे क्या है प्लस का 24 प्लस का 24। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आपने ये किया कि 3x और ग्रेटर आर इक्वल टू x और प्लस 24 और 32 को सॉल्व करने लग गए, इसको 32 को यानी ये जैसे 32 पहले से है तो
हम क्या करने लगे, माइनस 32, दोनों साइड क्या कर लिए अगर हम, माइनस का 32, माइनस का 32, और इधर भी हमने माइनस का 32 कर लिया। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो माइनस का 3x मिल जाएगा, माइनस का जो 3x है और यहाँ पे x माइनस कितना मिल जाएगा 8। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्या आएगी कि अब ये अगर हम ऐसे करते हैं कि x है यहाँ पर और दोनों साइड क्या कर लेते हैं हम, माइनस का x कर लेते हैं, दोनों साइड क्या कर लेते हैं हम माइनस का x, तो x तो x कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिला माइनस का 3x यानी माइनस का 4x हो जाएगा, कितना माइनस 4x इज ग्रेटर आर इक्वल टू, और ये हो गया माइनस का 8। ठीक है, अब ये सोचोगे कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो तो दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, ऐसे हम कैंसिल नहीं कर सकते, ये गलत है, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि देखो अगर ऐसा हमने कर दिया तो क्या आ जाएगा कि 4x ग्रेटर देन 8 और फिर 4 से अगर हमने डिवाइड कर लिया तो कितना आ जाएगा, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, x बचेगा, ये डिवाइड होगा क्या बच जाएगा 2। तो यहाँ पे हमें अपोजिट आंसर मिल गया कि x इज ग्रेटर देन 2 जबकि हमारा यहाँ पे क्या था x इज लेस देन 2, तो है कि नहीं रॉन्ग, ठीक है ना। तो ऐसा ये मेथड हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए अगर आपने ऊपर का मेथड अप्लाई कर ही लिया है तो यहाँ पे क्या करना होता है कि जैसे ही हमारा ये जो माइनस 4x बचा है और ग्रेटर देन माइनस का 8 है तो हम क्या कर लेते हैं कि माइनस 4x को रिमूव करने के लिए जैसे ही माइनस 1 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जैसे प्लस करना होगा, जैसे करेंगे तो साइन क्या चेंज कर देंगे, साइन क्या कर देंगे हम चेंज कर देंगे, तब जाकर के प्लस का 8 होगा और तब वो ये होगा कि 4 से डिवाइड होगा और ये आ जाएगा 2। ठीक है ना, ऐसे करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, या ऐसे भी समझ लो, या ऐसे लास्ट में जो अभी हमने किया था कि माइनस 4 प्लस 4x इधर भी करना पड़ेगा और माइनस 8 प्लस का 4x, ये तो वही वाली बात आ गई कि जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, 3x था, 3x को रिमूव किया था तो 4x आया था, तो 4x मिल गया नहीं लास्ट में, तो सेम मेथड हो गया। तो ये गलती मत करना जो अभी मैं बता रहा था कि अगर दोनों साइड माइनस है तो कभी माइनस से माइनस कैंसिल नहीं होता, अगर कैंसिल करना है या माइनस 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है तो तुरंत इसकी जो साइन है वो अपोजिट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, अगर ये ग्रेटर देन की साइन है यहाँ पर तो लेस देन की साइन इधर आ जाएगी। ठीक है ना, ये कर लो नोट। तो ये ना करके आपको कौन सा मेथड करना है ये मेथड से अप्लाई कर लो, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्या करना है कि x अपॉन में 4 इज लेस देन 5x माइनस 2 अपॉन में 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन में 5, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहला काम क्या होता हमारा कि 4, 3 एंड 5 तीनों का एलसीएम लेकर के हम सॉल्व कर लेंगे। तो 4, 3 तो ये क्या दोनों प्राइम नंबर है, तो 5, 3 जा 15, 5, 3 जा 15, तो 4 इंटू कितना आ जाएगा 3 इंटू 5 यानी 15, 4 जा 60, 15, 4 जा 60 से हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 60 इंटू एक्स अपॉन में 4, ध्यान देना इजी मेथड है सबसे सिंपल तरीके से, लेस देन, अच्छा ये जो 5x माइनस 2 अपॉन में 3 है इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, फिर ये जो माइनस की साइन है क्या है माइनस की, और ये हो जाएगा 7x माइनस 3 अपॉन में 5, इसको भी हमें करना है 60 से मल्टीप्लाई। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों एक साथ है, ये दोनों क्या है एक साथ है। तो अब ऐसे कंडीशन में कैसे करेंगे हम, ये तो डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 15x, कितना आ जाएगा 15x और इज लेस देन क्या है इज लेस देन, इसको डिवाइड करें कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 20, तो ये जाएगा 20 ब्रैकेट में 5x माइनस 2 राइट, अच्छा ये डिवाइड करें कितना आ जाएगा 12, तो जाएगा माइनस 12 ब्रैकेट में 7x माइनस का 3। अब हम इसको नोट कर लेंगे 5x इज लेस देन 25 जा 100x माइनस 40, क्योंकि 20 का मल्टीप्लाई तो दोनों में करना हमें, अच्छा माइनस 12 से 1 जा 84x और माइनस माइनस प्लस 23 जा 36, अच्छा ये हम नोट कर लेंगे 15x को सेम उतार लेंगे 100 माइनस 84, तो इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा 16x। अब किसको सॉल्व करना है, माइनस का 40 प्लस का 30x,
तो कितना जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का फोर, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, माइनस वाला नंबर क्या है ग्रेटर है, देन माइनस की साइन आ जाएगी। अब ये 16x ग्रेटर है या 15x ग्रेटर है, तो क्या है हमारा 16x ग्रेटर है और 15x लेस है, तो हमें दोनों साइड 15x ही माइनस करना होगा, ठीक है। तो 15x हम माइनस कर देंगे दोनों, और माइनस का 4 सेम उतार लेंगे, ये तो कैंसिल होकर के जीरो हो जाएगा, और इधर हो जाएगा x माइनस 4। हमें चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस 4 को हम क्या करेंगे, रिमूव करने के लिए दोनों साइड प्लस का 4 कर लेंगे। ये हो गया 4 इज लेस देन, और ये हो जाएगा हमारा x, क्या हो जाएगा x, अच्छा जो x से क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन है 4, तो हम x को हमेशा पहले लिखते हैं, हमेशा क्या करते हैं पहले लिखते हैं 4 को बाद में। तो क्या है यहाँ पे देखो, ग्रेटर है तो ग्रेटर, अच्छा हम आगे पीछे भले कर रहे हैं लेकिन साइन चेंज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हमने पूरी पूरी डिजिट ले लिया हमने, राइट। अच्छा तो x इज क्या मिला हमें, ग्रेटर देन 4 मिल गया, तो x इज ग्रेटर देन 4 है, तो 4 से ग्रेटर क्या आ जाएगा 5, 6, 7, कहाँ तक मिलेगा हमें, इनफाइनाइट तक। देन इट्स अ सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा हमें, इट्स अ सॉल्यूशन इज, अच्छा 4 भी इंक्लूड है कि नहीं है, नहीं है, इक्वल नहीं है, तो केवल यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा, वो कहाँ तक होगा, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट को हमेशा ओपन इंटरवल में ही रखते हैं, आंसर हो गया, ठीक है, नोट कर लो। अब है क्वेश्चन नंबर 16, क्या करना 16 में, देखो 2x माइनस 1 अपान में 3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3x माइनस 2 अपान में 4 माइनस 3 2 माइनस x अपान में 5। अच्छा तो 1, 2, 3 मतलब क्या, 3 और 5 तो प्राइम नंबर है, और 5 3 कितना आ जाएगा 15 इंटू 4 हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका भी एलसीएम क्या आ जाएगा 60। तो हमारा पहला काम क्या होगा कि 60 से सबको मल्टीप्लाई करना, हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन में 3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू, और फिर इसको भी हम 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 3x माइनस 2 अपॉन में 4 को, और माइनस 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 माइनस एक्स अपॉन में 5 को, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, हम 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 20, और 2x माइनस 1 ग्रेटर देन, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 15, तो 15 3x माइनस 2 माइनस ये डिवाइड कर लो कितना जाएगा 12, तो 12 2 माइनस x, राइट। अब हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे, तो 22 जा 40x माइनस 20 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15, 3 जा 45x माइनस 30 माइनस 12 जा 24 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 12x, क्या हो जाएगा 12x माइनस माइनस प्लस और 12x, राइट। अच्छा नाउ अगेन 40x, अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लो, 40 माइनस 20 ग्रेटर आर इक्वल टू 45 और प्लस 12x कितना हो जाएगा 57x, और ये माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस कॉमन लेकर के दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 4 और 3 टू 5, ठीक है, समझ आ गया यहां तक। नाउ अगेन ये हमारा 57 है, ये 40 है, तो कौन ग्रेटर है, 57 ग्रेटर है, 40x क्या आएगा लेस है, तो हम 40x को ही रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करेंगे हम 40x को, तो 40x हम माइनस कर लेंगे इधर से, और वही काम यहां से भी कर लेंगे, 40x को माइनस कर देंगे रिमूव, और माइनस का 54 उतार लेंगे सेम, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा माइनस का 20 ग्रेटर आर इक्वल टू, और ये हो जाएगा माइनस करने पर 17x, ठीक है। अच्छा माइनस का 54, अच्छा क्योंकि अब x इस साइड मिल गया हमारा, अब प्लस का मिला है, अच्छा हमेशा ये हमें कोशिश करना है कि x को प्लस में ही रखना है, राइट। अब ये माइनस का 54 है, तो प्लस का 54 इधर भी कर लेंगे और इधर भी कर लेंगे हम, ये प्लस माइनस माइनस जाएगा, अब 54 में से 20 माइनस कर लो कितना आ जाएगा 34, कितना आ जाएगा 34, देखो 4 5 में से 2 माइनस करो 3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 17x, अब 17 से हम जब दोनों को डिवाइड करेंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या मिलेगा 2, तो 2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू कितना मिल गया x, यानी x इज लेस देन है, क्या है यहाँ पे लेस देन है कि नहीं x,
आर इक्वल टू टू है, आर इक्वल टू टू है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाए हम, तो हम मतलब नंबर लाइन पे, तो एक्स की वैल्यू क्या है, टू से लेस देन है, टू से क्या है लेस देन है, तो टू से लेस देन क्या मिलेगा, वन जीरो माइनस वन, कहाँ तक माइनस इन्फाइनाइट है, कहाँ तक माइनस इन्फाइनाइट तक। तो एक सोल्यूशन क्या मिल जाएगा हमें, एक सोल्यूशन हो जाएगा, देखो क्या आएगा, टू है इक्वल, इक्वल है कि नहीं साइन, इक्वल भी है, तो यहां से हो जाएगा क्लोज इंटरवल, क्या आ जाएगा क्लोज इंटरवल टू, और टू से लेस है यानी माइनस इन्फाइनाइट तक है, कहां तक माइनस इन्फाइनाइट है, तो माइनस का इन्फाइनाइट हो चाहे प्लस का चाहे माइनस का, तो इसको हमेशा किसमें रखते हैं हम, ओपन इंटरवल में, राइट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, नोट कर लो आप अच्छे से। और अभी तक हमारे चैनल को आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और भी अदर स्टूडेंट को शेयर करिए जिससे कि इसका बेनिफिट वो भी ले सकें।